वोट डाला साइकिल को, जा रही है कमल के फूल को, कम से कम एक घंटा, कम से कम एक घंटे से भी ज्यादा मशीन के अंदर, और कोई सुनवाई नहीं हो रही है अंदर। आप जाके देख लिए, अधिकारी से कहा तो पुलिस वाले परेशान कर रहे हैं। अंदर निकाल के चार पांच बॉर्डर को बाहर निकाल के फेंक दिया। अभी क्या कहते हैं, बरेली के अंदर सुबह 7 बजे से पोलिंग हुई थी, 8 बजे मशीन खराब हो गई। अभी हम खराब होने के बाद तो चुनाव से बात करी तो बोलता क्या आते मशीन सही है, दोबारा चालू करेंगे। जो लोग एजुकेटेड हैं तो वो अपनी जो अखिलेश यादव ने स्कीम का वादा किया है ओपीएस का, ओपीएस लगने के बाद जितने भी लोग हैं, किसने क्या वादा करा है आज वोटिंग का दिन है, हम ये जानेंगे वोटर्स किन मुद्दों पर वोट डालना है। वोटर्स को तो पता ही नहीं है किन मुद्दों पर वोट डालना है, लेकिन जो थोड़े वादे होते हैं, जो लास्ट टाइम की हिस्ट्री उठा के देखी जाए कि भाई कन्याधन मिल गया था, स्कूलों की थोड़ी कंडीशन अच्छी हो गई थी और लोग एक दूसरे पर ध्यान देने लगे थे, उसी को देखते हुए लोग वोट डालना है। तो वोट आसानी है, 100 रुपए दे दो सब काम की छुट्टी, चाहे तुम्हारे पास कुछ है या नहीं है, कुछ है या नहीं है 100 रुपए दे दो छुट्टी। ऐसा है साहब, हमने बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ वोटिंग दे के आए, अब आप समझ लीजिए किसके खिलाफ। हेलो हेलो, ठीक यहीं से लेना, लाइन तो दिख रही है, दिख रही है ना सही। हेलो ठीक है, चल थोड़ा पीछे हो जाओ। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं दानव जीवन, और जैसा आप जानते हैं मैं मुरादाबाद में हूँ और दूसरे चरण की वोटिंग शुरू हो चुकी है, और ये मुरादाबाद, पिछले जो मैंने आपको बूथ दिखाया वो मुरादाबाद शहर में आता है, जहाँ अभी जिस बूथ पर मैं खड़ा हूँ ये मुरादाबाद देहात की सीट में आता है, तो यहाँ से भी जानेंगे रुझान क्या चल रहा है और जो लोगों का मूड है इस बार जो वोटिंग हो रही है उसका मुद्दा क्या है। मेन हम बात करेंगे मुद्दों पर कि किस आधार पर मुद्दों पर बात कर रहा है, और सबसे बड़ी बात हर बार एक बार कहते हैं कि वोट ज़रूर डालने जाएं, किसी भी पार्टी को वोट डालें लेकिन वोट ज़रूर डालें, आप अपना अधिकार जो है उसका पूरा इस्तेमाल करें, ऐसा ना करें कि किसी एक आप वोट डाल के अपने वोट को ख़राब करें। तो कोशिश करेंगे लोगों से बात करेंगे जो वोट डाल के आ रहा है उनसे बात हो जाए और जान लें कि क्या मुद्दा चल रहा है। लाइन आप देखेंगे पीछे कितने आराम से, शांति से, सुकून से चल रहा है काम, कोई ज़्यादा भीड़ भी नहीं है और इत्मीनान से वोटिंग हो रही है। सिक्योरिटी की बात करें बहुत अच्छा सही से माहौल बना हुआ है, BSF के हो या पुलिस के हो सब आराम से अच्छे से कार्रवाई कर रहा है। तो देखिए ये पीछे बूथ है था मेरे, जहाँ बूथ है सारे बूथ के आसपास के लोग हैं जो वोट डाल के आ चुके हैं, और भी लोग हैं, जगह जगह भीड़ लगी हुई है। सबसे अच्छी बात है कि वोटिंग होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि वोट आपका अधिकार है, एक वोट आपका डिसाइड करेगा कि सरकार किसकी आ रही है। और मैं बार बार कहता हूँ किसी को भी पार्टी को वोट करें लेकिन वोट ज़रूर करें, अगर अच्छा काम किया है तो सरकार को वोट करें जो मौजूदा सरकार है, अगर अच्छा काम नहीं किया तो बदलाव के लिए वोट करें, बट वोट ज़रूर करें। वोट डालिया है? डालिया है। क्या मुद्दे रहे? सही है, सही चल रहा। मुद्दे क्या रहे आपके वोट डालने के इस बार, किन मुद्दों पर वोट डालना? विकास के मामले में। विकास के मामले पे, विकास हुआ या नहीं हुआ, कौन सा मामला? अब हो जाएगा जब, तो तैयारी चल रही है। विकास के मुद्दे पर वोट किया आपने, किस मुद्दे पर वोट किया? हमने काम के मुद्दे पर वोट किया है। अच्छा, कारोबार के मुद्दे पर। कारोबार के, बेरोजगारी जी। तो बेरोजगारी की समस्या है जी। हाँ, तो क्या लग रहा है बेरोजगारी बदलाव करेगी या मौका देगी? अब कैसे बदलाव करेगी, अब कैसे बदलाव करेगी, आप बताइए क्या मुद्दा रहा इस बार? वो मेरे बेटे का जो है मेयर में तो आया था और इसमें नहीं आया नाम। अच्छा, इसमें नाम नहीं आया, नाम ही नहीं है लिस्ट में। अच्छा, ये समस्या हम कई जगह सुन चुके हैं, नाम लिस्ट में नहीं आया जी जी। और ये वोटिंग शुरू होने से पहले भी सरकार ने कहा था कि कुछ वोटर्स नए जुड़े हैं और 10 लाख से ज़्यादा वोटरों के नाम काट दिए गए, जिनके आधार के हिसाब से, क्योंकि आधार और वोटर वोटिंग डिसाइड करेगा, वोटर आईडी कार्ड और आधार के, हो सकता है उसमें डिटेल मिसमैच हो। तो क्या आपने चेक करा कि आपके नाम की स्पेलिंग? पूरी लिस्ट चेक कर ली, नहीं है नाम। नहीं नहीं, आपका जो वोटर है, जो आधार कार्ड है, उसकी डिटेल मिसमैच तो नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। आप एक बार चेक करिएगा, क्योंकि एक वोटर हमें मिला था, उन्होंने कहा मेरा नाम नहीं है, जब हमने चेक करा तो उसका आधार में नाम कुछ और था और वोटर आईडी में नाम स्पेलिंग अलग थी जी। तो समस्या आएगी? नहीं, जो पहले मेयर के हुए थे उसमें लिस्ट में नाम था, बदलाव किया सरकार ने, बट ये है कि कहीं ना कहीं कमी दिख रही है, इसके नाम कट रहे हैं, ये एक बड़ी बात है।
कहीं ना कहीं वोटर्स की कंप्लेंट है कि वोट काटे जा रहा है। अच्छा पीछे कुछ युवा खड़े हैं, इनसे बात करेंगे। वोट डालिया है? अभी नहीं डाला है। अच्छा वोट डालने जाइए, जरूर जाइए। जाएंगे भी, जाएंगे भी। अच्छा, इंतजार कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। अच्छा वेट कर रहे हैं। क्या मुद्दे हैं आपके? मुद्दे यही विकास के मुद्दे हैं। यहाँ मुरादाबाद में काफी मतलब जो भी मतलब पहले रहा विधायक रहा है MP रहे तो मतलब विकास नहीं हो पाता है। ये हमारा नाला ही देख लीजिए आगे सब पूरा यहाँ से ब्लॉक हुआ हुआ है हमारे एरिया का। हाँ ये दिखाइए, पूरा यहाँ से ब्लॉक हुआ हुआ है। मतलब वादे तो होते हैं चुनाव से पहले कि ये कराएंगे वो कराएंगे, मतलब बाद में कोई यहाँ पर नहीं देखता। देखिए सारी पार्टी वादे करती है। फिलहाल हम तो इस वक्त वोट इसी उस पर दे रहे हैं कि एक बार फिर उम्मीद कर रहे हैं, 5 साल इंतजार कर रहे हैं। यूपी ने तो सारी पार्टियों को आजमा लिया, कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिस यूपी की जिसमें सत्ता पे काबिज ना हुई हो। तो कौन सा लगा के बेहतर है कि भैया ठीक है अब ये कर सकते हैं? फिर भी अखिलेश जी फिर भी बेहतर है हमारे लिए। उसमें काफ़ी हमारा पहले कन्या विदाधन और लड़कियों को स्कॉलरशिप मिली थी, विकास भी हुआ था, ऐसा नहीं है। और अब फिर उम्मीद यही है इस बार से। महंगाई की परेशानी है? क्या परेशानी है? महंगाई परेशानी सब यही है कि रोड वोड सही नहीं हो रहा है सर। अच्छा। हर जगह घटे है बहुत ज़्यादा जी, और विकास नहीं हो रहा बिल्कुल। और जिसको भी जिताते हैं तो होता ही नहीं कुछ भी, बस कोई नहीं भड़कता। पहले तो आते हैं लोग, उसके बाद में कोई नहीं आता। सब पूरे शहर में कहीं पे भी चले तो चुनना पड़ेगा ना, लेकिन चुनने किसको उसको चुने, हर बार चुनते ही किसी ना किसी को। लेकिन यह है कि फिर भी देखा जाएगा आपके से। ये बताइए वोटर वोटिंग का जोर जबरदस्त दिख रहा है, बहुत उत्साह दिख रहा है वोटर्स में? हाँ वोटर्स का बहुत उत्साह दिख रहा है। और जो लोग एजुकेटेड हैं तो जो लोग एजुकेटेड हैं तो वो अपनी जो अखिलेश यादव ने स्कीम का वादा किया है OPS का, OPS लगने के बाद जितने भी लोग हैं। किसने क्या वादा करा है? आज वोटिंग का दिन है, हम ये जानेंगे वोटर्स किन मुद्दों पर वोट डालना है। वोटर्स को तो पता ही नहीं है किन मुद्दों पर वोट डालना है, लेकिन जो थोड़े वादे होते हैं जो लास्ट टाइम की हिस्ट्री उठा के देखी जाए कि भाई कन्या धन मिल गया था, स्कूलों की थोड़ी कंडीशन अच्छी हो गई थी और लोग एक दूसरे पर ध्यान देने लगे थे, उसी को देखते हुए लोग वोट डालना है। अब जो करंट हमारी स्टेट में गवर्नमेंट है वो तो बहुत अपने एटीट्यूड में है, वो किसी चीज़ का कोई वादा ही नहीं कर रही, लेकिन जो अपोनेंट है वो वादा कर रहे हैं और लोगों की समझ में आ रहा है अच्छे तरीके से, इसलिए वो वोटिंग कर रहे हैं और बहुत अच्छे से वोटिंग कर रहे हैं। वोटिंग करिए, जोर शोर से वोटिंग करिए। सरकार ने अच्छा काम करा है, सरकार को वोट दे, नहीं किया तो बदल दे, लेकिन वोट जरूर करें, वोट करें। परिवर्तन परिवर्तन। अच्छा मूड में इस वक्त जनता मूड में? हाँ क्यों है वो मूड की वजह? क्या काम नहीं करा? काम नहीं करा? हाँ योगी सरकार ने काम नहीं करा। अच्छा 5,000 की बाइक 20,000 का चलान? कानून मत तोड़िए ना, कानून मत तोड़िए, चलान ही नहीं होगा। पेपर वेपर पूरे रखिए, हेलमेट भी लगा के, सब कुछ होने के बाद कैसे हो जाएगा? लाइन में लग जाओ, कागज चेक कराओ। तो कराइए, 1 घंटे लगेगा चेक करने, फिर अगले 4 रुपए खड़ी। 5 मिनट का रास्ता बहुत आसानी है, 100 रुपए दे दो सब काम की छुट्टी, चाहे तुम्हारे पास कुछ है या नहीं है, कुछ है या नहीं है, 100 रुपए दे दो छुट्टी। 100 रुपए में परिवर्तन है? परिवर्तन हो रहा है? ये क्या बात, परिवर्तन हो रहा है फिर? हाँ ये परिवर्तन हो रहा। अच्छा 100 रुपए दे दो, लाएंगे नहीं? नई सरकार लाएंगे। नंबर डायल करो, पुलिस आ जाती है, 100 रुपए दो, चली जाती है। चली जाती है? अच्छा इतना बढ़िया सिस्टम, लेकिन 100 नंबर पे आ तो रही है ना। तो जा भी तो रही है, बहुत बड़ी बात आ रही है। हाँ ये भी। अच्छा नहीं ये नुकसान भी है कि रिश्वत ले रही है, फायदा है कि कम से कम ये तो है, चलो आ रही है। मैं सिस्टम बता रहा हूँ आपको, सिस्टम खराब है। वही पुलिस के आने का जो सिस्टम है वो काम कहाँ हो रहा, वो काम कहाँ हो रहा है। चलिए और लोगों से जानेंगे, यहाँ बताइए क्या किस आधार पर हुए इस बार वोट? नहीं वोट तो जो भी लोग डाल रहे हैं वो बेरोजगारी पर, भ्रष्टाचार पर और अघोषित आपातकाल जो है उसके विरोध में, ये आप देखिए जोश है लोगों में। अच्छा जी, तो मतलब इस बार वोटिंग बदलाव के लिए हो रही है? बदलाव के लिए ही हो रही है वोटिंग। अच्छा ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री पद पे आसीन है कि जिसको भाजपा ने कभी कहीं का चेयरमैन नहीं बनाया, इन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया। और आज आप देखिए कि सांसद रहे हैं जी 25 साल, सांसद रहने के बाद कहीं का चेयरमैन नहीं बनाया या किसी पोर्टफोलियो में नहीं दिया उनको। अच्छा 20 साल से आप बताइए, और ऐसा व्यक्ति जो विधायक भी नहीं चुना गया आपने उसे मुख्यमंत्री बना दिया, आप बताएं। देखिए यहाँ पर मुख्यमंत्री जो बनता है वो इस बुनियाद पे नहीं बनता कि वो पढ़ा लिखा काबिल है, बल्कि इस बुनियाद पे बनता है वो कितना हरामी। अच्छा हाँ इस बात पे बनता है कि वो हरामी कितना। तहरीब के दायरे में आपसे जो बात कह रहे हैं वो आप देखिए, शिक्षित बेरोजगारों के साथ क्या हजर, वो आप तो बेरोजगार, आप रिसर्च करिए, हमसे आप रिसर्च करिए। और इस बार हमने इस बार बेरोजगारी महंगाई
एक मिनट, शोर हो रहा है, शोर हो रहा है, गाड़ी निकलने दीजिए, शोर हो रहा है। डेमोक्रेसी की डेफिनेशन क्या है? डेमोक्रेसी की डेफिनेशन दिख तो रही है, आज वोटिंग हो रही है। डेमोक्रेसी डेफिनेशन आपने नहीं बताई, मैं बताता हूँ। फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। यहाँ पर है, यानी इसके अंदर पीपल की जगह बेवकूफ लिख लो। ठीक है, आपसे बात हो रही, एक मिनट आपसे बात हो रही थी। ऐसा है साहब, हमने बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ वोटिंग देकर आए हैं। अब आप समझ लीजिए किसके खिलाफ वोटिंग देकर आए, वोटिंग देकर आए। चलिए जी, चाहे समाजवादी की गवर्नमेंट आए या कांग्रेस की आए, भाजपा की आए, मेन मकसद कोई नेता ये उठाने वाला नहीं है। डॉक्टर फीस ले रहे हैं 1000 रुपये, स्कूलों की मनमानी है, डॉक्टरों की मनमानी। जिस डॉक्टर के पास आप जाते हैं, बेरोजगारी मुद्दा अपनी जगह, लेकिन बेरोजगारी के साथ साथ जब हॉस्पिटल में जाके आदमी 1 लाख सवाल इसके लिए बदलाव, हम बदलाव ये है कि अखिलेश यादव जी से भी कहना चाहेंगे, आप खाली रोड की बात ना करें, रोजगार की बात तो अपनी जगह है। जब हमारे पास रोजगार होगा तो डॉक्टर का फीस मांगता हम तो हम दे देंगे। अब डॉक्टर के पास जाते हैं, 500-700 रुपये फीस लेता है, बैटरी रिक्शा चलाने वाला गरीब मजदूर 500 कमाता और 700 फीस देकर आता। हमारे नासिर कुरैशी साहब बने, कोई भी विधायक बने, यहाँ से सबसे पहला काम जो आजम साहब ने कहा था कि डॉक्टरों की फीस 100 रुपये कराई थी, सबसे पहला मुद्दा डॉक्टरों की फीस और स्कूल वालों का हरामीपन जो चल रहा है। ये 10,000 जमा करो, 20,000 जमा करो, वो अपनी बीवी के जेवर गिरवी रखता और फिर जाके स्कूल में जमा करता, बच्चे बिल भी जीरो हैं। ठीक है, बच्चे फिर भी जीरो हैं। वोट 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 डाल के आए हैं, वोट डाल दिया, ये छोड़ दीजिए, ये मैं पकड़ लूंगा। अच्छा, एक घंटा हो गया कम से कम वोट डाला, साइकिल को जा रही है, कमल के फूल को, कम से कम एक घंटा, कम से कम एक घंटे से भी ज्यादा मशीन के अंदर, और कोई सुनवाई नहीं हो रही है अंदर। आप जाके देख लिए, अधिकारी से कहा तो पुलिस वाले परेशान कर रहे हैं, अंदर निकाल के 4-5 बॉर्डर को बाहर निकाल के फेंक दिया अभी। अच्छा, यही पे तहसील स्कूल पे, और सब जगह ऐसी हो रही है। क्या कहते हैं, बरेली के अंदर सुबह 7 बजे से पोलिंग हुई थी, 8 बजे मशीन खराब हो गई है। ईवीएम खराब होने के बाद तो चुनाव आयोग से बात करी तो बोलता क्या आते मशीन सही है, दोबारा चालू कराएंगे, अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। वो तो पहले चरण के चुनाव और क्या आते हैं, कमल के फूल को जा रही है सारा वोट। अच्छा, सारा वोट कमल के फूल, कमल के फूल को आदमी डाल लिया, साइकिल को हो रही है, कमल के फूल को सब उसको जा रही है, कमल के फूल को। अच्छा, कोई चल रही है। चलिए ठीक है, क्या मुद्दे रहे युवा के इस बार? युवा के मुद्दे यही है कि रोजगार बढ़े और इस टाइम कारोबार बिल्कुल ही, मुरादाबाद का बिल्कुल ही खत्म हो चुका है, पितल कारोबार बिल्कुल ही खत्म हो चुका पितल है। क्या मुद्दे रहे इस बार चुनाव के? क्या चुनाव के क्या मुद्दों पे वोट डालना है? महंगाई पे वोट, महंगाई, बेरोजगारी और लाइट से परेशान है, महंगाई बिल इतना महंगा आ रहा है। चलिए देखिए, लगातार हम बात कर रहे हैं, मैं यहाँ पर मुरादाबाद बिहार बूथ पर आया था, यहाँ से मैंने जानना चाहा किन मुद्दों पर वोट डालना है। युवा से भी बात करी, बुजुर्गों से भी बात हुई, हाँ आप भी कुछ बता दीजिए किस मुद्दों पर डाला है वोट। ये साइकिल की लहर है और ऐसा मालूम होता है कि यूपी गवर्नमेंट को यहाँ की जनता बदलना चाहती है, पूरी गवर्नमेंट को, ठीक है, यहाँ की जनता बदलना चाहती है। चलिए होगा क्या बाद में पता लगेगा, फिलहाल हम जनता का मूड जानने आ रहे हैं कि आज क्या मुद्दे लेकर जनता उतरी है, किन मुद्दों पर वोट डाल रही है। खैर, महंगाई बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा रहा है, अब तक जहाँ भी हम गए शुरू से ये कहा गया है कि महंगाई बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से इस बार बदलाव की शायद ज़रूरत है। होगा या नहीं होगा ये तो समय बताएगा। अब हम यहाँ से चलेंगे तीसरे चरण की ओर, दूसरे चरण का चुनाव खत्म हो गया, अब तीसरे चरण में जहाँ चुनाव है हमारी टीम वहाँ जाएगी और वहाँ से भी जानेंगे कि वहाँ की जनता का मूड क्या है।